हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल मापारी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर क्वेश्चन ऑफ सीएसआईआर नेट एग्जाम। क्वेश्चन इज आस्किंग जून 2011 एंड क्वेश्चन इज ऑफ सी पार्ट, दैट मीन्स 4.75 मार्क्स। और क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे इसीलिए, और काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट पे हम क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ अभी, तो ये भी क्वेश्चन दिखा और बहुत अच्छा लगा और सोचा डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुए हैं इसी कंसेप्ट पे। ओके, सो आप देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, मतलब सीएसआईआर नेट के एग्जाम में रिपीट 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 आपको दो चार बार इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। सो क्वेश्चन इज, लेट एक्स जे इज अ सेट 0 1, दो एलिमेंट का सेट दिया है फॉर जे इक्वल्स टू 1 2 3। ओके, सो एक्स वन दो एलिमेंट का सेट है 0 1, एक्स टू दो एलिमेंट का सेट है 0 1, तो इस टाइप के ये इनफाइनाइट सेट है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर इस टाइप में। एंड लेट वाई डिफाइन किया एक्स जे पे इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट और जे फ्रॉम 1 to infinity एक्स जे विच इज आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन वाई इज काउंटेबल सेट, सेकंड कार्डिनेलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू कार्डिनेलिटी ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1, ये यहाँ पे 0 1 ये सेट नहीं है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 1 है। ओके, एंड ऑप्शन थर्ड इज दिस यूनियन एन फ्रॉम 1 to infinity प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट जे फ्रॉम 1 to n एक्स जे इज अनकाउंटेबल, एंड लास्ट वन इज वाई इज अनकाउंटेबल। तो चलिए देखते हैं, इसी टाइप के दो तीन क्वेश्चन अभी रिसेंटली अपलोड किए हैं, सॉल्व किए हैं, जरूर आप देख लीजिएगा। ऑप्शन थोड़े चेंज है, लेकिन इस टाइप के ऑप्शन बनाए हैं पिछले क्वेश्चन में, काउंटेबल यूनियन, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर एक दो रिजल्ट पता है तो। नसी इसके लिए हमें क्या चाहिए एक्चुअली, एक दो रिजल्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट का विनो, मैं रिजल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल बट इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अनकाउंटेबल सेट, इसके रिवर्स में कर लीजिए, इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। ओके, यहाँ पे इनफाइनाइट आएगा तो यहाँ पे अनकाउंटेबल आएगा, वो भी एक रिजल्ट बन जाता है। एंड काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है उसकी, पिछले क्वेश्चन में वो भी डिस्कस किया था हमने। ओके, चलिए देखते इसकी वाई की कार्डिनेलिटी निकाल लेते हैं पहले, और उसके बाद ऑप्शन देखते हैं क्या है तो। राइट, सो वाई सेट क्या होगा, पहले वाई को समझ लीजिए अच्छे से, वाई सेट क्या होगा, इनफाइनाइट प्रोडक्ट 1 to infinity एक्स जे, जो एक्स जे क्या है, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये एक्स वन है इंटू एक्स टू आएगा इंटू एक्स थ्री आएगा इंटू एक्स फोर आएगा, तो ऐसे कितने सेट, इनफाइनाइट सेट। राइट, सो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट तो है, लेकिन कितने सेट का है, इनफाइनाइट सेट का, और इनफाइनाइट सेट की कार्डिनेलिटी क्या होती है, अलेफ नॉट, मतलब ये सेट कितने टाइम्स है, अलेफ नॉट टाइम्स, और अलेफ नॉट टाइम्स कार्डिनेलिटी किसके, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की, और इसके कार्डिनेलिटी पे डिस्कस किया है, तो कार्डिनेलिटी का भी आपको पता होना चाहिए, कार्डिनेलिटी ऑफ वाई और जस्ट रिजल्ट, कार्डिनेलिटी ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट जे और आई वट एक्स जे इज इक्वल्स टू दिस इज इनफाइनाइट प्रोडक्ट जे फ्रॉम 1 to n, ये कार्डिनेलिटी इस साइन के अंदर आ जाती है एक्स जे। ओके, ये याद रखना कभी भी, दिस कार्डिनेलिटी ऑफ दिस सेट इज इक्वल टू दिस इनफाइनाइट प्रोडक्ट इंटू कार्डिनेलिटी ऑफ दिस। ओके, तो इसकी कार्डिनेलिटी की अगर हम बात करें, कार्डिनेलिटी ऑफ वाई क्या होगा, अब ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इनफाइनाइट प्रोडक्ट, मैंने यहीं पे लिख दिया, मैं डायरेक्टली ले सकता हूँ कार्डिनेलिटी ऑफ एक्स जे। राइट, या फिर आप कार्डिनेलिटी ऑफ एक्स वन इंटू कार्डिनेलिटी ऑफ एक्स टू इंटू कार्डिनेलिटी ऑफ एक्स थ्री इंटू कार्डिनेलिटी ऑफ एक्स फोर, ऐसा भी लिख सकते हैं। राइट, सो व्हाट वी गेट,
इनफाइनाइट प्रोडक्ट जे फ्रॉम 1 to 2 और कार्डिनलिटी ऑफ एक्स जे, और एक्स जे क्या है, टू एलिमेंट्स, तो हर एक्स जे की मतलब एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, टू, राइट, इनफाइनाइट प्रोडक्ट. ओके, सो क्या मिला हमें, टू का इनफाइनाइट प्रोडक्ट मतलब टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू अप टू सो ऑन, कि हाउ मेनी टाइम्स, ये जे फ्रॉम 1 to infinity, 1 2 3 4, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या है, अलेफ नॉट. सो अलेफ नॉट कार्डिनलिटी है मतलब अलेफ नॉट टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ टू, और ये क्या होगा, बाय अलजेब्रा वी नो 2 raised to अलेफ नॉट, बट वॉट इज 2 raised to अलेफ नॉट, 2 raised to अलेफ नॉट इज कॉन्टिनम, 2 raised to अलेफ नॉट इज कॉन्टिनम, और कॉन्टिनम क्या है, अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी. सो देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट प्रोडक्ट है इस, यहाँ पे इसीलिए हमें ये अनकाउंटेबल मिला. तो वाई क्या मिला, 2 raised to अलेफ नॉट जिसकी कार्डिनलिटी है मतलब अनकाउंटेबल, क्योंकि 2 raised to अलेफ नॉट पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पता है, सेट ऑफ रियल नंबर की कार्डिनलिटी पता है हमें, तो अनकाउंटेबल सेट बन जाता है. ओके, सो वाई इज अनकाउंटेबल, यहाँ पे काउंटेबल बताया डिस्कार्ड किया, वाई इज अनकाउंटेबल, और कार्डिनलिटी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1, क्लोज इंटरवल 0 1 हमें पता है अनकाउंटेबल सेट है, राइट, और अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी वही कॉन्टिनम, और कार्डिनलिटी ऑफ वाई वही कॉन्टिनम, सो कार्डिनलिटी ऑफ वाई इक्वल टू, क्योंकि वाई अनकाउंटेबल है तो उसकी कार्डिनलिटी इंटरवल के कार्डिनलिटी के इक्वल हो जाएगी. ऑप्शन 2 करेक्ट मिला. ऑप्शन 3 देखिए, थोड़ा सा इसे एक रिजल्ट लगाएंगे हम, जो कि countable union of countable set is countable. ओके, countable union of countable set is countable. और यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये तो countable union तो है, लेकिन किसका, countable set का है क्या, ये countable होगा क्या, so ये finite cartesian product है. ओके, j from 1 to n x j, और पहले ही result हमने बताया question के starting में, finite cartesian product of countable set is countable. तो ये हो गया हमारा countable set, right? तो ये हो गया countable set, और ये countable set का ये countable union है, तो क्या होगा, countable, और यहाँ पे क्या दिया है, uncountable, so wrong. Okay, so thank you for watching. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.